नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद आदित्य में। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक बीमारी से जूझ रही है जिसका नाम है COVID-19। तो COVID-19 का कुप्रभाव बहुत बहुत व्यापक रूप से हो रहा है पूरे विश्व में। हजारों हजार लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उससे, और लाखों लोग अभी भी जूझ रहे हैं। अभी अभी का आंकड़ा था, 19-20 लाख के लगभग लोग इससे भी बीमार थे। और अकेले यूरोप और अमेरिका में लाखों लाख लोग इससे मर चुके हैं। ऐसा भी कुछ दिन पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इटली में मौत उठाने वाला कोई नहीं है। खैर, वो चलो एक अलग बात है कि कैसे क्या कंडीशन होगी वहाँ की, हम तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन इतना व्यापक प्रभाव इसका देखा गया है कि लोग बाग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी परेशानी का सबब क्या है कि सबसे बड़ी परेशानी इसलिए है क्योंकि अभी तक उसका कोई क्योर नहीं मिला, उसकी कोई वैक्सीन नहीं मिली। तो ये चीज़ और भी ज़्यादा परेशान करती है। और अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था सुबह सुबह की, तो कह रहे थे भारतीय वैज्ञानिक कि लगभग 1 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा, तब जा करके इसकी वैक्सीन बनेगी। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ इसमें कि COVID-19 से कौन परेशान हो रहा है, कि या किसकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, किसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसकी उसका प्रभाव देखें कि किन व्यक्तियों पर ज़्यादा प्रभाव होता है, तो उसमें 3-4-5 चीज़ें निकल करके सामने आती है। एक एज फैक्टर, कि जिसकी एज 50 से प्लस है वो व्यक्ति से बहुत बहुत ज़्यादा रोगी हो रहा है। दूसरा, जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है, जिसको बहुत जल्दी से रोग पकड़ लेता है, वो व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा है इसमें। तीसरा कौन है, वो व्यक्ति जिसको हृदय रोग समस्याएं हैं, दिल की समस्याएं हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या स्ट्रोक आते हैं, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। तीसरा चौथा, जो व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है वो भी हो रहा है। पाँचवा, वो व्यक्ति जिसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जिसको सांस लेने में दिक्कत है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है इससे। तो अब ये 5 चीज़ें देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, ये व्यापक रूप उसी पे ले सकता है जो पहले से बीमार है। तो अब कैसे बचे, क्योंकि दवाई तो इसकी वैक्सीन तो अभी तक कोई नहीं बनी, तो इससे बच कैसे सकते हैं। तो बचने के तौर पे हमें आयुर्वेद, योगा और प्राणायाम, इन थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच जाओगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपके पास तक आएगा नहीं। क्योंकि जब किसी चीज़ की दवाई नहीं बनी, जब तक किसी चीज़ की दवाई नहीं बनती है, तो इसका मतलब है कि हमें उससे पहले से ही बचना होगा, क्योंकि दवाई तो बाद में काम करती है ना। तो हम उस कंडीशन तक जाए ही क्यों हम परेशान हो उस चीज़ से। तो फिर उससे बचने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैं आपको आज 5 प्राणायाम बताता हूँ, जो डायरेक्टली आपके श्वसन तंत्र, आपके हृदय पर और आपकी पूरी बॉडी पर काम करेंगे, जो आपको परेशान नहीं होने देंगे, जिसको आपको कोविड से बचा के रखेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं प्राणायामों पर। तो प्राणायाम है सबसे पहला भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी क्रियाओं में और इसके क्रम में थोड़ा अंतर हो सकता है, विभिन्न विभिन्न योगाचार्य विभिन्न विभिन्न तरीके से इसको बताते हैं कि पहले कपालभाति करना चाहिए, कोई कहता है पहले अनुलोम विलोम करना चाहिए, तो उसमें संशय हो सकता है, उसमें वो एक अलग बात है। लेकिन आपको करना यही है प्राणायाम। तो आपको सबसे पहला प्राणायाम करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम को करते हुए क्या ध्यान रखें कि आपकी सामान्य स्थिति बनी हो शरीर की, सामान्य स्थिति, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राणायाम जब भी करते हैं आंखें बंद करके करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि आपको मूल बंद लगा के रखना है हर एक प्राणायाम को करते हुए। तो सबसे पहले करना है आपको भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे, भस्त्रिका प्राणायाम में करते हैं श्वासों को गहरा अंदर लेते हैं और फेफड़ों में भरते हैं श्वास को, नासिका से भरते हैं, मुंह से नहीं भरते। क्योंकि अगर मुंह से श्वास भरेंगे तो आपके फेफड़ों में ना जा करके आपके पेट में चला जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत है कि इसकी इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो फेफड़ा श्वसन तंत्र पे काम करता है कोविड। तो श्वसन तंत्रों को मजबूत करने के लिए हम करते हैं प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए क्या करें, श्वास को लंबा गहरा भरें ऐसे, तो ये क्रिया आपको 5-10 मिनट तक करनी है, लगातार करनी है, रुकना नहीं है। 2-3 मिनट तक करो, फिर रुक जाओ, फिर आप प्राणायाम करो, फिर रुक जाओ। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करना 10 मिनट तक है लगभग। 5-10 मिनट तक का समय इसमें निर्धारित है कि आपको इतना करना ही करना है। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे। तो इसमें क्या रहेगा कि मुंह की स्थिति सामान्य बनी रहेगी आपकी, आपका चेहरा सामान्य रहेगा, आपका पूरा
कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। फिर दूसरी बात है, आपको क्या करना है, आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए क्या करें, कपालभाति प्राणायाम में करते हैं सांसों को बाहर छोड़ते हैं। और ये कौन ना करे, जिसको बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज है ब्लड प्रेशर की, तो वो व्यक्ति ना करे, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि आपकी हृदय गति बढ़ सकती है, तो इसलिए ना करें। अगर आपको करना भी है तो उसको बहुत धीरे धीरे करें, बहुत मृदु अभ्यास करें। तो मृदु अभ्यास में कैसे करते हैं, मृदु अभ्यास में करें, और अगर आप उसकी गति बढ़ा के करना है, अगर आप जवान हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप इसकी गति बढ़ा के कर सकते हैं। तो गति कैसे बढ़ाएं, गति बढ़ाएं, तो आप इसकी एक मिनट में 60 स्ट्रोक तक कर सकते हैं, इसकी 30 से 60 स्ट्रोक तक बढ़ा सकते हैं आप इसकी गति को। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है। तो ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। इसमें भी आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी और नासिका से श्वास छोड़ने, और सिर्फ श्वासों को छोड़ने, अंदर नहीं लेना, ऑटोमेटिक अपने आप श्वास भीतर चला जाएगा। लेकिन हमें प्रयत्न करना है बार बार श्वासों को बाहर छोड़ने का, हमें अंदर नहीं लेना है श्वास। इसमें यही अभ्यास करना है सिर्फ, और लगातार अभ्यास करना है। इसको भी आप 5-6-10 मिनट तक करते रहेंगे। फिर नंबर 3 है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम मतलब सीधा और उल्टी नासिका से श्वास को भरना और छोड़ना, भरना और छोड़ना। तो उसे करने के लिए कैसे करेंगे, आपको विष्णु मुद्रा बनानी है, इसको प्राणायाम मुद्रा भी बोल देते हैं, इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। तो एक नासिका पे रखना है अंगूठा, और सबसे पहले अंगूठे से ही शुरू करना है। अंगूठे से नासिका को बंद करके आपको दूसरी साइड से, यानी बाईं साइड से आपको श्वासों को फिल करना है, और लंबा गहरा श्वास भरना है। और इसमें गति सामान्य, जितनी कम रखेंगे आप गति, उतना लंबा श्वास भरा जाएगा। अगर आप तेज गति भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लंबा भरना है श्वास, फेफड़ों में भरना है, तो आप धीरे गति रखें, हल्का हल्का श्वासों को भरें। और इसको ही नाड़ी शोधन क्रिया भी बोलते हैं। नाड़ी शोधन मतलब शरीर की सभी नाड़ी की शुद्धि करती है। तो श्वासों को लंबा भरें, और अगर आपको नाड़ी शोधन क्रिया करनी है तो आपको श्वासों को रोक दें, भीतर भर के रोक दें, फिर दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ दें, फिर जिससे छोड़ा आपको उसी से श्वास को भरना है, और फिर दूसरी से छोड़ दें। तो ये कंटिन्यू करना है, जैसे और नाड़ी शोधन क्रिया करते हुए इसमें क्या कर सकते हैं, नाड़ी शोधन क्रिया में होता है आपको श्वासों को रोकना है। रोकते कैसे हैं, जैसे आपने श्वास भरा, इस तरह श्वासों को रोक रोक करके भरना है। पहले भरा, रोक दिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोक दिया, फिर भरा, फिर रोक दिया, फिर छोड़ा, फिर रोक दिया। तो ऐसे श्वासों को लंबा करते जाना है, और इसका भी अभ्यास आपको 5-6-10 मिनट तक करना है। ये भी, ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा, आपकी मनस्थिति को सामान्य रखेगा, और आपका जो नाड़ियों में अशुद्धियाँ हो गई हैं या टॉक्सिन्स भर गई हैं बॉडी में, उसको सारी को बाहर निकाल देगा। और नंबर चौथा प्राणायाम करते हैं, चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम को करते हुए क्या ध्यान रखना है, भ्रामरी प्राणायाम कैसे, भ्रामरी प्राणायाम दो तीन कंडीशन में हो सकता है। भ्रामरी प्राणायाम, एक तो आप षडमुखी मुद्रा बना के कर सकते हैं। षडमुखी मुद्रा में आपको आपको सारी की सारी वो बंद रखनी है आपने, जैसे कान, आंखें, नाक, मुंह, इन पे आप उंगलियां रख करके इनको बंद करते हैं, ठीक है। फिर उसमें कैसे करना है,
तो उसमें एक दूसरा क्या से कर सकते हैं, दूसरा पैसे भी कर सकते हैं, कानों में ये उंगलियों से बंद कर सकते हैं और फिर आपको एक गति करनी, एक सामान्य श्वास निकालना है आवाज के साथ। तो आपकी आवाज क्या रहेगी, आपकी आवाज रहेगी भंवरे वाली, ये आवाज आपको निकालनी है। ये आपकी, ये आपको मन के मस्तिष्क, मन को शांत करेगा, मस्तिष्क को शांत करेगा। और आवाज, आवाज से क्या प्रभाव पड़ता है, आवाज का प्रभाव होता है कि जैसे आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आपसे, आपसे वो काम नहीं हो पाता, तो आप क्या करते हैं, आवाज के साथ काम करते हैं, आवाज निकाल के। तो आवाज क्या करती है, आपको सबल करती है, आपको मजबूती देती है आवाज। जैसे कोई भारी सामान उठाना है तो आप एकदम से आवाज करेंगे, तो ऐसे आवाज जब निकलेगी तो आवाज आपको स्ट्रेंथ देती है, आवाज आपको ताकत देती है। तो वो ताकत ये प्राणायाम दे रहा है आपको। फिर पांचवा प्राणायाम है, पांचवा प्राणायाम में करते हैं प्राणायाम, नाम विस्मित हो गया था, तो उद्गीत प्राणायाम, पांचवा प्राणायाम को बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। तो उद्गीत प्राणायाम में क्या करते हैं, उद्गीत प्राणायाम को बोलते हैं ओम, प्रणवकार भी बोलते हैं इसको। तो प्रणवकार मतलब ओम का उच्चारण करना है। तो मैंने अभी आपको बताया आवाज का सिद्धांत की आवाज हमारी ताकत को दोगुना कर देती है, तो इसीलिए हमें प्राणायाम करना है उद्गीत प्राणायाम। लेकिन उद्गीत प्राणायाम में सबसे बड़ी बात क्या है कि उद्गीत यानी जो भंवरे की आवाज, सॉरी ओम की आवाज निकालते हैं, तो ओम क्या है, ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। तो हम ईश्वर से ही स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहे हैं उस प्राणायाम में। तो आपको करना क्या है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और आपका ध्यान ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा और लंबा गहरा श्वास। तो इसमें ओमकार का उच्चारण करना है। तो ये हो गए आपके पांच प्राणायाम। क्या क्या हुए, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। तो ये आपके पंच प्राण हो गए, पांच प्राणायाम हो गए। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। क्योंकि कई बार हम, अगर हम पेशेंट हो जाते, बीमार हो जाते, रोगी हो जाते, रुग्ण हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना साहस छोड़ देते हैं। तो सांस छोड़ने का दुष्परिणाम क्या होता है कि वो बीमारी हम पे हो रहा भी हो जाती है, हम फिर उसके ठीक होने के बारे में नहीं सोचते, फिर हम उस बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं। और जितना हम बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, बीमारी उतना ही प्रभाव अपना हमारे ऊपर जमाना शुरू कर देती है। तो आपको अगर हो गया, या आप क्वारंटीन है, या आपको हो ही गया है कोविड, तो आपको सकारात्मक रहना है। क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ आप ही इससे पीड़ित हो, पूरी दुनिया इससे पीड़ित है और हजारों की संख्या में लोग इससे रिकवर भी कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा रोग है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सकारात्मक रहना है। और पॉजिटिविटी जितनी रखेंगे आप, उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा। और प्राणायाम करते रहिए आप, प्राणायाम को स्वास्थ्य देगा। और इस प्राणायाम में क्या करें, 5 से 10 मिनट इसकी ड्यूरेशन रखें, ठीक है। या आप ऐसा कर लें कि हाँ, कि आपको 5 से 10 मिनट इसको करना ही करना है, तो इतना आपको करना है। तो इन्हीं के साथ फिर नई सीरीज में मिलते हैं आपको, आपका धन्यवाद और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगे, और आपको अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पर भेज सकते हैं, या हमारे उसमें लिंक मिल जाएगा आपको, आप मेल भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं और फिर अपने वाणी को बोला। सभी को सादर नमस्ते।